चलिए अब आप बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी मुहिम की दिल्ली सरकार ने शुरुआत की है। वाहनों के धुएं पर जो नियंत्रण करने के लिए, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, उससे आज दिल्ली में एक 100 चौराहों पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत वायु प्रदूषण को 10-15% तक घटाने की कोशिश की जाएगी। आपको इस पर ये भी बताएंगे कि दिल्ली में जो लोग हैं इस मुहिम पर क्या सोचते हैं और एक्सपर्ट्स अपनी राय इस पर रखेंगे। हर साल की तरह, ये पहली बार नहीं दिल्ली सरकार कर रही है, हर साल इस तरह के कुछ छोटे छोटे कदम तो उठाए जाते हैं, पर एक बड़ा कदम ये है या नहीं, जनता क्या सोचती है, आपको दिखाते हैं। भीषण जाम, खतरनाक प्रदूषण, दमघोटू हवा, शोर शराबा, मौजूदा दौर में देश की राजधानी दिल्ली की यही पहचान है। लेकिन अब दिल्ली सरकार की नई मुहिम से इसी पहचान को बदलने की पहल शुरू हुई है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत हो चुकी है, इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, और इसके जरिए ये गुलाब के फूल भी दिए जा रहे हैं। ये आप गाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर वॉलंटियर लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी को ऑफ कर दें, और ये तस्वीर आप दिल्ली के आईटीओ पर देख रहे हैं। आईटीओ बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौक पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। इसके तहत रेड लाइट पर रुकी गाड़ियों को इंजन बंद करना पड़ेगा। अगर रेड लाइट पे हम गाड़ियां बंद कर दें तो 13-20% तक व्हीकल पोल्यूशन में इसका असर होता है, और वो लाजमी है, क्योंकि जब हम सारे लोग कम से कम दिन भर में 5-6 रेड लाइट क्रॉस करते हैं, और हर रेड लाइट पे बेवजह हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल जलाती रहती है, तो अगर उसको बंद, उससे जो बंद करने से जो पोल्यूशन वहां पैदा हो रहा है वो कम होगा। और दिल्ली परिवहन विभाग में वाहनों की रजिस्टर्ड संख्या 1,20,00,000 से ज्यादा है। हालत ये है कि पीक आवर में दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था वाहनों की बोझ से बुरी तरह दबी रहती है। ऐसे रेड लाइट पर गाड़ियों को बंद करने से बड़ा अंतर आ सकता है। आंकड़ों की माने तो दिल्ली में एक गाड़ी लाल बत्ती पर औसतन 15-20 मिनट रुकती है। अगर इंजन बंद रहे तो 200 मिलीलीटर ईंधन बचेगा। यदि ट्रैफिक सिग्नल पर रोज 1,00,000 वाहन बंद होते हैं तो एक साल में PM10 करीब 1.5 टन और PM2.5 करीब 0.4 टन कम होगा। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली के 900 चौराहों पर यह नियम पूरी तरह से पालन होने पर हर साल दिल्ली में 250 करोड़ का पेट्रोल बचाया जा सकता है। इससे प्रदूषण की बात करें तो केवल दिल्ली की गाड़ियों से 88,000 मीट्रिक टन हर साल कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम किया जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार लोगों से तीनों बातों पर ध्यान देने की अपील कर रही है। भाई आप रेड लाइट पे हैं, गाड़ी बंद कर लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं है और आपका पेट्रोल भी बचेगा और पोल्यूशन की लड़ाई में आप हिस्सेदार हो गए। दूसरा, हफ्ते में एक दिन अपना ट्रिप कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, मिल के चले जाइए, थोड़े दिन एक आध दिन आराम कर लीजिए, जिससे कि उसका जो पोल्यूशन है वो भी कम हो अपने हिस्से का। तीसरा, अगर दिल्ली में कहीं भी पोल्यूशन पैदा होता हुआ दिख रहा है उसको आप ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से हमारे पास पहुंचाइए फोटो खींच के, जिससे कि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। ये छोटे छोटे तीन काम करके दिल्ली के लोग इस पूरी लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा उन पर एक्शन के लिए दिल्ली परिवहन विभाग कमर कसे हुए है। सूत्र के मुताबिक पेट्रोल पंप में आने वाले वाहनों पर अधिकारी कागजात जांच करेंगे और जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलकित नागर, दिल्ली टाइम्स नाउ, नवभारत। अब ये मुहिम जो है, कोई भी मुहिम हो सरकार जो चलाती है, वो तभी असर दिखाएगी जब हम लोग यानी कि दिल्ली के लोग इसे गंभीरता से लेंगे। हमने दिल्ली के लोगों से बात की और समझने की कोशिश करी कि उनको क्या लगता है इस रेड लाइट ऑन कार बंद मुहिम के बारे में। करना चाहिए सर, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे रेड लाइट पे टाइमर्स लगे होते हैं ना, ज़्यादातर जगहों पे ये टाइमर्स काम ही नहीं कर रहे होते। अगर ये टाइमर्स लगे हो ना तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सक्सेसफुल होगी, और हम लोग अगर 2-3 मिनट का टाइम होगा तो हम भी चाहते हैं अपना पेट्रोल डीजल बचे। फ्यूल कंजम्पशन के लिए तो बेटर है सर। बेटर है, अच्छा, राइट सर, सही सर। ऑप्शन तो है,
तो पेट्रोल की भी बचत होगी और कम मतलब काफी फैसिलिटी, तो मतलब ठीक है आपके साथ? ठीक है बेटे सर, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छी पॉलिसी है, प्रदूषण भी कम होगा जी बिल्कुल सर। तो क्या फायदे हैं? फायदा है जब पेट्रोल भी बचता है प्रदूषण भी कम होगा, तो आपके हिसाब से अच्छा है? सही है, प्रदूषण तो थोड़ा बहुत कम होगा, ये कुछ तो फर्क पड़ेगा। पॉलिसी तो सही है, जब रेल लाइट ऑन ऑफ करेंगे पेट्रोल के रेट इतने आसमान तक पहुंच चुका है, जो कि रेल लाइट का ऑन ऑफ करना करना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत फायदा होगा। अब जैसे ये भाई साहब कह रहे थे, अगर आपको प्रदूषण की चिंता नहीं है तो अपनी जेब की चिंता करते हुए बंद कर लीजिएगा, थोड़ा पेट्रोल बच जाएगा आपका। अब सरकार की इस पहल की तारीफ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे वायु प्रदूषण पर कोई बड़ा इफेक्ट होता है या नहीं? एक्सपर्ट क्या मानते हैं, आपको सुनाते हैं। रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ का जो कैंपेन केजरीवाल सरकार ने अनाउंस किया है, उसका भी आंशिक रूप से असर पड़ेगा। बहुत सारे सर्वे कहते हैं कि हाँ शायद 2% से 5%, कुछ सर्वेज उसको कहते हैं कि 10% उसका असर जो है वायु प्रदूषण को ठीक करने में होगा। मैं नहीं मानता कि उस तरह का असर है, क्योंकि 30% प्रदूषण पूरे दिल्ली का जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन से होता है, और सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स पे इंजन ऑफ करने से इसका असर इस कदर 10% 15% नहीं होने वाला है। लेकिन हमें हर वो कदम उठाने पड़ेंगे, और उसमें से एक कदम शायद उस 20 कदम में से ये रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ भी होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डीकंजेस्ट कैसे करें ट्रैफिक सिग्नल्स को, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे स्ट्रेंथन करें, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि गाड़ियाँ जो हैं प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो उनको हम बंद करें ट्रैफिक सिग्नल्स पे, लेकिन मुद्दा ये है कि कैसे हम मोबिलिटी जो है पूरे पूरे दिल्ली शहर का, दिल्ली एनसीआर का, उसको हम प्राइवेट से पब्लिक की ओर लेके जाएं। अब जैसे कि एक कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे कदमों से प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन इस पर मेरा एक बड़ा सीधा सीधा मानना है, दिल्ली सरकार इस तरीके के काम बहुत दिनों से करती आ रही है, इस तरह की कैंपेन्स बहुत दिनों से चला रही है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि एक व्यापक बड़े पैमाने पर हमारे पास कोई पूरे देश भर में और दिल्ली सरकार के पास भी एक बड़ा प्लान नहीं होता। जब प्रदूषण की समस्या आपके सर पर खड़ी होती है तब आप कुछ एक्शन लेना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात दिल्ली सरकार के लिए जो चुनौती है, और हम सुनते सुनते थक गए हैं कि दिल्ली के अंदर बसों की बढ़ोतरी होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और सुधार होगा, ये अभी तक पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। दिल्ली में इस समय DTC की बसों का आलम यह है कि वो पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर खड़ी हुई हैं। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि दिल्ली सरकार को व्यापक पैमाने पर लोगों को किफायती और साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना होगा, जिससे कि वो अपनी गाड़ियों को, अपनी मोटरसाइकिल्स को छोड़ के इस्तेमाल कर सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। इससे पोल्यूशन की, पैसे की और लोगों के समय की भी बहुत बचत होगी। तो कुल मिलाकर जहरीली हवा से बचने के लिए दिल्ली सरकार को ना सिर्फ औरों पर उंगली उठानी होगी, पराली एक बड़ी समस्या है, सेंटर जो है उसको इसमें आना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर सबसे पहले एक व्यापक कार्यक्रम, एक व्यापक सोच जरूर बनानी होगी।